हाय फ्रेंड्स, तो पहला वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किए थे एनजेपी से मानिभंजन तक और मानिभंजन से फालूट तक जाने का सफ़र, और मानिभंजन से कैसे फालूट जाए और फालूट जाने टाइम रास्ते में जो जो साइट सीन पड़ता है वो सब साइट सीन का नज़र आप लोग के साथ शेयर किए थे। तो बाकी जो साइट सीन है तो आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। फालूट में आधा घंटा रुकने का बाद फालूट से हम लोग जा रहे हैं अभी चार राती हम लोग का डेस्टिनेशन में, जहां हम लोग आज स्टे किए। तो हम लोग जिस लॉज में स्टे किए वो है इयाक लॉज, जो आपका नेपाल में पड़ता है। देखिए हम लोग ऊपर में चढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। दादा अपनी साइड है, सुन यहाँ का भीग दीजिए। देखिए सबका आ रहा है अभी, बहुत कम ही ऑक्सीजन का। ट्रेकिंग करके आ रहे हैं हम लोग, ट्रेकिंग करके अब आ रहे हैं 1 किलोमीटर। तो हम लोग 1 किलोमीटर इसलिए ट्रेकिंग किए कि हम लोग का जो गाड़ी था वो भारी होने की वजह से ऊपर में नहीं चल रहा था, तो फालूट का रास्ता में इसलिए हम लोग 1 किलोमीटर पैदल चले। 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम लोग अभी गाड़ी में चढ़ के जा रहे चार राती। थोड़ा व्यू देख लीजिए आप लोग, तो हम लोग अभी जस्ट चार राती में पहुँचे। तो आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना है कि आप लोग जब मानिभंजन से चार राती या फालूट कोई भी स्पॉट में रुकते हैं तो आप लोग मानिभंजन से पीने का पानी और चिकन कैरी करके लाइएगा, क्योंकि यहाँ आपको चिकन और पीने का पानी शायद नहीं मिलेगा। तो हम लोग देखिए अभी निकल गए चार राती से, अभी जा रहे हैं बागारी में। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी चार राती से निकल के यहाँ पर सांदकपू व्यू पॉइंट में आए। तो सांदकपू व्यू पॉइंट में आके आप लोग को कांचनजंगा भी देखने मिलेगा, लेकिन हम लोग का किस्मत खराब था बोल के फॉग में पूरा भरा हुआ था तो हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा एकदम दिल छूने वाला। ये वाला व्यू पॉइंट है यहाँ से बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन आज तो पूरा फॉग में ही भरा हुआ है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ का इतना सुंदर नज़ारा है कि सब कोई फोटोशूट करने बिजी हो गया। ये आपका सांदकपू का मेन पॉइंट है, जहाँ आपको रहने के लिए होटल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, स्टे करने के लिए और खाने के लिए अच्छा रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। यहाँ आके भी स्टे कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारा होटल है। ये का पूरा एकदम आसपास का व्यू देख लीजिए, यहाँ पर कंचनजंगा एकदम दिखता है, लेकिन अभी फॉग से पूरा भरा हुआ है तो इसलिए नहीं दिख रहा है। सांदकपू में रुके हैं, यहाँ पर होटल में रेस्टोरेंट में रुके खाने के लिए। तो यहाँ पर ब्रेड ऑमलेट मिलता है 100 रुपया और मैगी भी मिलता है 100 रुपया ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अभी ऑर्डर किए ब्रेड ऑमलेट और मैगी। देखिए सांदकपू का कॉटेज है, यहाँ पर आप लोग स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर रूम है, 2 बेड है, यहाँ पर सिंगल बेड है, यहाँ पर डबल बेड है, लेकिन रूम सब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जितना है पूरा काट लकड़ी का है। यहाँ पर एक तो टेबल भी है, यहाँ पर कंबल के एक तो गोदरेज है। तो हमारे एखे क्या कर लोब कि हम लोग अभी तुमलुंग में स्टे किए, तो यहाँ आसपास का नजारा देख लीजिए, सुबह का नजर है। पुलिस के देखो पावे ना की जोग जोग देखे, तो दूर से देखिए कांचनजंगा एकदम क्लियर दिख रहा है। आज जाके कांचनजंगा को दिखाया, देखिए हम लोग अभी तुमलुंग से निकल गए, फिर अभी हम लोग जा रहे हैं मानिभंजन। तो अभी रोड पे है, यहाँ का रास्ता जितना खराब है ड्राइवर उतना एक्सपीरियंस्ड वाला है, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। मैं भी पहले बहुत डर रही थी, लेकिन बाद में मेरा भी डर खत्म हो गया। नीचे उतर के अभी मानिभंजन पे फिर आ गए, फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे कारसियांग।
तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग मानी भंजन से अभी निकल के अभी दार्जिलिंग का कुछ आसपास ही जगह का नाम है, लेकिन नाम तो पता नहीं। तो यहाँ पर देखिए पूरा पाइन गाछ में भरा हुआ है। यहाँ का व्यू देखिए बहुत सुंदर। तो हम लोग टुमलिंग से आके कारसियांग में रुके अनुराग होम स्टे में, जहाँ हम लोग को एक रात बिताना है, जहाँ एक रूम का भाड़ा लगा 1200 रुपया। और ये रूम में रह के बड़ी फायदा है कि आपको अंदर से बाहर का नजारा बड़ी आराम से देखने मिलता है, क्योंकि इस रूम पे पूरा ग्लास लगा हुआ है। और इस रूम का अंदर से आपको बाहर जाते हुए टॉय ट्रेन को भी देखने मिलता है, और यहाँ से टॉय ट्रेन क्रॉस करता है 11 बजे सुबह का। कि हम लोग अभी कारसियांग से निकलने निकलेंगे 11 बजे, तो अभी जाएंगे NJP, फिर हम लोग का ट्रेन का टाइम है 3 बजे वंदे भारत में। तो हम लोग का जितना जर्नी था आज कंप्लीट हो गया, तो आप लोग को वीडियो में सब कुछ दिखाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग कारसियांग से निकल के अभी एक ठो जगह में रुके, जहाँ पर यहाँ पर देखिए पूरा पहाड़ है और वहाँ पर एक वाटरफॉल है, लेकिन अभी वाटरफॉल में पानी नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कारसियांग से अभी दार्जिलिंग NJP भी आ गए। अभी हम लोग ये ट्रेन में चढ़ गए, हम ट्रेन में अभी है, तो हम लोग अभी जा रहे सीट नंबर 8। तो फ्रेंड्स, अभी घड़ी में बाज रहा है 3:05। तो अभी जस्ट NJP से ट्रेन छोड़ दिया हावड़ा के लिए, तो अभी हम लोग सबको जा रहे हैं हावड़ा के लिए। देखिए यहाँ पर सबको ही हम लोग का ट्रेन में और भी है सामने में, तो NJP बाहर का जो व्यू है तो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर ट्रेन एकदम भी लेट नहीं करता है, जितना टाइम है ठीक राइट टाइम में छोड़ता है वंदे भारत ट्रेन। और आज हम लोग का टूर ख़त्म हो गया, तो मन बहुत ही ज़्यादा खराब है, लेकिन क्या करेंगे, तो जाना ही है। फिर अगला साल और आएंगे सबको मिलके, तो फिर आप लोग के साथ जो वीडियो है सबको शेयर करेंगे। इस पूरा टूर में हम लोग बहुत एंजॉय किए, और यहाँ का ड्राइवर जितना एक्सपीरियंस वाला है उतना ही अच्छा इंसान भी ये लोग है। ये लोग का व्यवहार बहुत अच्छा है, और ये लोग हम लोग का जैसे रक्षक बन के हम लोग को इतना ऊंचा पहाड़ में सावधानी से हम लोग को लेके गया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए। बाय बाय।